नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज हम एक बार फिर रशिया और यूक्रेन वार में दो चीजों का पंचनामा करने वाले हैं। एक खबर तो आ रही है कि एक स्टूडेंट्स की वहां पे गोली लगने से मौत हो गई है, और दूसरा इस युद्ध में एक स्विफ्ट शब्द यूज बड़ा बहुत हो रहा है। यूएसए ने और यूरोपियन कंट्री ने कहा है कि हम रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर देंगे। ये किस तरह का बैन है, इस बात का हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस स्विफ्ट का हम पंचनामा करेंगे। उससे पहले हमारा एक बार फिर आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने YouTube पर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आज एक बड़ी दर्द भरी खबर इंडिया में आई। हमारे एक स्टूडेंट की वहां पर गोली लगने से मौत हो गई है। यूक्रेन का एक शहर है खार्किव, वहां पर गोली लगने से कर्नाटक के 21 साल के मेडिकल के स्टूडेंट नवीन की मौत हो गई है। नवीन फोर्थ ईयर में पढ़ रहा था, सिर्फ एक साल ही उसका और बचा था एमबीबीएस कंप्लीट करने में। चौथे साल में उसकी मौत हो गई है। नवीन अपने हॉस्टल से बाजार में राशन लेने के लिए निकला था। वह राशन की दुकान पर लाइन में लगा हुआ था कि इस बीच में रशियन मिलिट्री की वहां से गाड़ी निकलती है और वो दनादन जो लोग राशन के लिए लाइन में लगे हुए थे उन पर गोलियां बरसा देती है। इस गोलाबारी में हमारे कर्नाटक के एक युवा स्टूडेंट, एक डॉक्टर समझ लीजिए जो बनने वाला डॉक्टर था, उसकी मौत हो जाती है। उनके घर में आज बड़ा मातम का माहौल है कि एक युवा डॉक्टर जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसे रशिया और यूक्रेन से कुछ नहीं लेना था, वो सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां गया था। आप ये देखिए, ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट में जो मेडिकल्स की जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी है। अगर आप इंडिया में प्राइवेट सीट लेनी हो आपने, तो आपको 5 साल के लिए 1 से 1.25 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। यही वजह है कि हमारे छात्र जो हैं यहाँ से यूक्रेन जाते हैं, फिलीपीन जाते हैं और चाइना तक जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है। हमारे देश में डॉक्टरों की देखिए कितनी कमी है, कितने डॉक्टर चाहिए। और हमारे अगर यहाँ फतेहाबाद के हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में ना तो ऑर्थो का डॉक्टर है, ना मेडिसिन का डॉक्टर है, ना जनरल सर्जन है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो आपकी देखभाल कर सके। सिर्फ आपका पंचनामा वो कर देंगे, मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ रेफरल पोजीशन है। ये पोजीशन होने के बावजूद भी इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती नहीं है। आप ये देखिए कि अगर कोई स्टूडेंट यूक्रेन में जाता है तो उसको 4 लाख रुपए एनुअल फीस देनी होती है और 50,000 रुपए उसका हॉस्टल और मेस का खर्चा है, तो बच्चे 20 से 25 लाख रुपए में वहां से मेडिकल करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना नीट क्लियर किए जाना होता है, उन्हें नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मिनिमम मार्क्स हैं, वो तो उन्हें वहां भी पास करके जाने होते हैं, और फिर वहां से आके यहाँ इंडिया में भी प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें जो हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जिट एग्जाम है उसे भी क्लियर करना होता है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि हमारे यहाँ पर पढ़ाई बहुत महंगी है, हमारी सरकारें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाना क्यों पड़ रहा है। और अगर वो ध्यान दें, हमारे यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर उनकी फीस उनको कम करने के लिए मजबूर करें, या फिर कुछ सरकार अपनी तरफ से डोनेट करे, अपनी तरफ से कोई मैचिंग ग्रांट दे, ताकि इंडिया का स्टूडेंट इंडिया में ही रह जाए और उन्हें बाहर ना जाना पड़े और कम फीस में उन्हें यहाँ पर सीट मिल जाए। अगर ऐसा हो तो जो आज कर्नाटक के एक बच्चे की मौत हुई है, ऐसी बात फिर कभी सामने नहीं आएगी। दूसरी खबर जिसका हम पंचनामा करने वाले हैं वो स्विफ्ट है। आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर देंगे, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है और बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर रहा है। ये स्विफ्ट ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है कि जो यूएसए कह रहा है कि हम स्विफ्ट से रशिया को बाहर करके घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ऐसी क्या चीज है कि हम बिना गोली चलाए
बिना बमबारी किए, बिना टैंकों के यूएसए इस बात का दावा कर रहा है कि स्विफ्ट से बाहर करने से ही रशिया को हम घुटनों के बल ला देंगे। ऐसी क्या चीज है स्विफ्ट? ये स्विफ्ट कोई कार नहीं है, कोई मारुति सुजुकी का कोई मॉडल नहीं है स्विफ्ट कार वाला। ये स्विफ्ट जो है इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एस फॉर सोसाइटी, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड वाइड, आई फॉर इंटर बैंक, एफ फॉर फाइनेंशियल और टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन। इस लैंग्वेज से ही समझ आ रहा है कि ये कोई टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी चीज है जो इंटरनेट के माध्यम से बैंकों को जोड़ती है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 1973 में ऐसा सोचा गया कि विश्व के जितने सारे बैंक हैं उनको आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाए ताकि अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई मनी ट्रांसफर होना है, फंड ट्रांसफर होना है, तो वो कंफर्म किया जा सके कि वो ऐसा ट्रांसफर सही हो रहा है, बंदा करने वाला सही है, आगे रिसीव करने वाला सही है, जिसने किया है उसका पैसा वहां पर रिसीव हो गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसा ही सिस्टम है। अगर आपने SBI से यस बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर करना है तो आप देखिए आपके पास दो सोर्सेज हैं, आप RTGS से कर सकते हैं, नेफ्ट से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैंक आपका एक IFSC कोड मांगता है। हर बैंक का अपना एक IFSC कोड है, उस कोड के मार्फत ही दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर होता है। आपने कभी भी पैसा ट्रांसफर करना हो अगर आप दूसरे माध्यम से करते हैं तो आपको एक OTP आता है, वो भी बीच में एक ट्रांजेक्शन की एक सुविधा है जिसमें हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस बात को देखता है, इस बात की गारंटी लेता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा गया है वो वहां पर पहुंचे, उसको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि कोई उससे पैसा चला जाता है, सिर्फ एक मैसेज जाता है उस बैंक के पास कि इसका ट्रांसफर हो गया है। और रिजर्व बैंक की गारंटी होती है, मान लीजिए कि SBI वाले ने यस बैंक को फंड ट्रांसफर किया नेफ्ट के थ्रू, ऐसा नहीं है कि पैसे का पैसा वहां चला जाएगा, सिर्फ एक मैसेज जाएगा कि इस बंदे के खाते से पैसा निकल के इस बंदे के खाते में जमा कर दिया जाए, वो पैसा जमा हो जाएगा। और कल को यस बैंक वाला SBI से मांगने जाए तो SBI वाले कहें कि नहीं हमें तो नहीं भेजा, हमें तो कोई पता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, रिजर्व बैंक बीच में गारंटर है, वो आपका पैसे की गारंटी लेता है। SBI को यस बैंक को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि SBI बैंक में जैसे ही वो मैसेज आया यस बैंक वाले ने जो अकाउंट धारक है वो उसमें से पैसा कैश निकलवा के चला जाएगा, लेकिन यस बैंक ने तो SBI से मांगना है पैसा कि हमें पैसा दीजिए। तो रिजर्व बैंक इस बात में गारंटर है, एक सिस्टम है हमारे देश का जो उस चीज को ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करता है और कंफर्म करता है कि जो आपने फंड ट्रांसफर किया है वो वहां तक पहुंच गया है। ठीक इसी तरह से आप मान लीजिए कि पूरे विश्व के देश हैं, हमारे इंडिया के किसी व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में पैसा भेजना है तो वो किस तरह से भेजेगा, ये सारा सिस्टम एक स्विफ्ट के थ्रू बना हुआ है। मान लीजिए इंडिया, आपने फतेहाबाद के SBI बैंक से सिटी बैंक के न्यूयॉर्क में पैसा भेजना है तो आपको हर बैंक को, हर बैंक की ब्रांच को एक स्विफ्ट नंबर मिला हुआ है, जैसे IFSC नंबर होता है इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए स्विफ्ट एक भी एक नंबर होता है जो 8 से 11 डिजिट तक का होता है। आपने जैसे यहां से पैसा आप यहां से ट्रांसफर करेंगे, मान लीजिए SBI से न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में आपने पैसा ट्रांसफर करना है तो आपसे उस बैंक का स्विफ्ट नंबर मांगा जाएगा और आगे वो दूसरे बैंक के स्विफ्ट नंबर पे जाएगा, वहां भी उसी तरह से फंड ट्रांजेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि कैश जाएगा, जिस तरह से IFSC से मैसेज से पैसा जाता है, जैसे ही उस बैंक को मैसेज मिलेगा कि फलां बैंक से पैसा आ गया है तो स्विफ्ट जो बीच में है वो सिर्फ फंड ट्रांसफर को कंफर्म करता है कि हाँ आपने जो पैसा भेजा था वो उस अकाउंट में चला गया है। ये 1973 में जो वर्ल्ड के बड़े देश हैं, UK है, अमेरिका है, उन लोगों ने ये देखा कि सारे विश्व के लोग एक दूसरे से व्यापार करते हैं और पैसा लेके आना पड़ता है कैश, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कैश लाने की जरूरत ना पड़े और बीच में ऐसा सिस्टम हो कि वहां से इंडिया से पैसा USA में आ जाए, USA से रशिया में चला जाए, रशिया से चाइना में चला जाए, कहीं से कोई फंड ट्रांसफर कर ले। तो इस सिस्टम को बेल्जियम में एक हेडक्वार्टर बनाया गया जिसमें 200 देशों के 11,000 बैंक शामिल हो चुके हैं अब तक जो कि स्विफ्ट के थ्रू ही पैसा ट्रांसफर करते हैं। अब आप देखिए कि USA ने कहा है और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम रशिया को इस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देंगे। अब आप देखिए रशिया व्यापार कैसे करेगा,
मान लीजिए रशिया ने इंडिया को गैस बेची, गैस बेचने के लिए गैस तो बेच दी उसने, गैस अपने पाइपलाइन से भिजवा ली, लेकिन हमने उसको पैसा ट्रांसफर करना है, हम उसको पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे? पहले तो हम स्विफ्ट के थ्रू पैसा चला जाता था, अब स्विफ्ट ने बीच में से रशिया को हटा दिया है, वो फंड ट्रांसफर नहीं होगा, फंड इनवैलिड हो जाएगा, हमारी ट्रांजेक्शन ही इनवैलिड हो जाएगी, तो रशिया के पास रशिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। यही बात आपने देखी होगी कि जो उनका रूबल है वो 20% तक उसकी करेंसी के रेट डाउन हो चुके हैं, 105 रूबल का एक डॉलर हो चुका है, वहां के लोगों को, वहां के बैंकों ने अपने लोगों पर 20% तक ब्याज बढ़ा दिए हैं। ये यही वजह है कि वहां का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया है, उनके पास चीज है बेचने के लिए, लेकिन खरीदने वाले भी लोग हैं, लेकिन जो खरीद रहा है वो पैसा रशिया को दे कैसे? अब रशिया का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतने हद तक प्रभावित हो जाएगा तो उसके पास पैसा कहां से आएगा, देश चलेगा कैसे? क्या रशिया को ऐसा पता नहीं था? बिल्कुल रशिया को अच्छे से पता था कि ये हालात होंगे। अगर आप 2014 की बात याद करें कि तब भी ऐसी हालात बने थे, जब उसने क्रीमिया को कब्जा में कर लिया था, तब भी जो यूएसए है और जो ये बड़े देश हैं, इन्होंने G8 से रशिया को हटा दिया था, G7 हो गया था, तब भी स्विफ्ट से बाहर करने की बात चली थी कि स्विफ्ट से बाहर किया जाए, लेकिन जर्मन और नीदरलैंड जैसे देश हैं जो रशिया की गैस लाइन पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, 70% तक गैस वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं, और उन लोगों ने तब कहा था कि नहीं, एक बार रोक लीजिए, ऐसा ना कीजिए, हमारा जर्मन में बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जर्मन ने भी कह दिया है कि ठीक है, हम लोग सह लेंगे किसी भी तरीके से। इतनी बड़ी डील है, 15 से 20 बिलियन डॉलर की डील है जो रशिया ने जर्मन के साथ कर रखी है, जर्मन ने इस डील को कैंसिल करने की बात कही है, रशिया को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है इतनी बड़ी डील कैंसिल होने की वजह से। इससे गैस के भाव भी बढ़ेंगे, अगर आपने आज इंडिया में देखा हो, इंडिया में तो आज ही 105 रुपए के करीब कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। पूरे विश्व में गैस के और पेट्रोलियम पदार्थों के जो फर्टिलाइजर हैं उनके रेट बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि रशिया पर बैन लगा है, रशिया का माल नहीं आ पाएगा। बहुत सारी दुनिया को रशिया गैस देता है, डीजल पेट्रोल देता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट देता है, यूरिया और DAP खाद जैसी चीजें हमारे देश में भी वहां से आती हैं, इसका सारी जगह पे नुकसान होगा। तो सवाल यह है कि रशिया को तब भी अंदाजा तो हो गया था जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब उसको पता था कि कल को भी अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो वो स्विफ्ट में तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। उस वक्त रशिया ने अपने ही देश में स्विफ्ट की तर्ज पर एक सिस्टम शुरू किया था जो SPFS के नाम से कहा जाता है। रशिया ने इस सिस्टम को कुछ देशों के साथ जोड़ा है कि कल को स्विफ्ट अगर स्विफ्ट से उसे निकाल भी दिया जाए तो इस सिस्टम के थ्रू वो अपने फंड ट्रांसफर के लिए कंफर्मेशन उसे मिल सके। अब होगा क्या? रशिया ने जो ये सिस्टम बना रखा है, ये इंडिया और चाइना जैसे लोग जो रशिया के मित्र देश कहे जाते हैं, वो तो इस फंक्शन से अपना फंड ट्रांसफर कर देंगे, पैसे ले लेंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन और जो USA जैसे वेस्टर्न कंट्री देश हैं, वो रशिया को इस टेक्निक से पैसे नहीं देने वाले। उनका तो साफ कहना है कि हम स्विफ्ट के थ्रू ही पैसे देंगे। रशिया ने इस चीजों से बचने के लिए, अगर आप पिछले दिनों गौर करो, रशिया ने गोल्ड बहुत खरीदा है, उसे जहां कहीं से भी गोल्ड मिला है उसने गोल्ड खरीदने की कोशिश की है, ताकि उसको पता है कि अगर स्विफ्ट से बाहर जाएगा तो उसके पास फॉरेक्स जो है ना, उसका फॉरेन फॉरेक्स उसके पास बचेगा नहीं, बिना डॉलर के चीज मिलती नहीं है, तो गोल्ड से चीजें मिलती हैं, इसलिए उसने गोल्ड इकट्ठा किया है, उसने डॉलर भी इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा रशिया ने एक और बहुत बड़ी बात की है, रशिया ने अपने यहां पर क्रिप्टो करेंसी का बहुत प्रयोग किया है। आप ये देखिए, रशियन जो सरकार है वो क्रिप्टो करेंसी से भी डील कर लेती है। हो सकता है आने वाले टाइम में रशियन गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी को लीगल डिक्लेयर कर दे। रशिया अपने तरीके से बचने के भरपूर प्रयास करेगा, लेकिन फिलहाल जो हम बात आपको बताना चाहते थे कि ये स्विफ्ट तकनीक क्या चीज है, ऐसी क्या स्विफ्ट है जिससे यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रहे हैं कि हम स्विफ्ट पर बैन लगाकर रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर उसे घुटनों पर ले आएंगे। ये एक तरह सा सैंक्शन है, एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज इस मामले में कितने हद तक कामयाब रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।